ये कहानी वर्जिल नाम के एक अमीर बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है, जिसे क्लेयर नाम की एक जवान लड़की से प्यार हो जाता है। अब क्या वर्जिल अपने इस बुढ़ापे में क्लेयर को संतुष्ट कर पाता है, ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम वर्जिल नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि एक ऑक्शन कंपनी का मालिक है और बहुत ज्यादा अमीर है। वर्जिल पुराने सामान और एंटीक पेंटिंग्स की ऑक्शन किया करता था और शहर के सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा वर्जिल को अपने आसपास साफ सफाई रखना बहुत पसंद है और वो हर चीज को सिर्फ ग्लव्स पहनकर ही छूता है। फिर एक दिन जब वर्जिल अपने ऑफिस आता है तो वहाँ उसे क्लेयर नाम की एक लड़की का फोन आता है, जो उसे अपना एंटिक सामान बेचने के लिए अपने घर पर बुलाती है। लेकिन इस पर वर्जिल उसे मना कर देता है और कहता है कि वो इस तरह से काम नहीं करता। लेकिन क्लेयर उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद वो उसके घर पर जाने के लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वर्जिल एक बहुत बड़ा धोखेबाज भी है। दरअसल वो हर ऑक्शन में अपने एक दोस्त बिली को बिठाकर रखता है, ताकि वो उसके जरिए महंगी पेंटिंग्स को कम दाम में खरीदकर बाद में उसे ऊंचे दामों में बेच सके। वहीं बिली वर्जिल को बताता है कि वो भी एक पेंटर है, जिस पर वर्जिल उसे बोलता है कि सिर्फ हाथ में ब्रश पकड़ने से कोई भी इंसान पेंटर नहीं बन जाता। अब उसकी ये बात सुनकर बिली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उस समय वर्जिल के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद वर्जिल उस खरीदी हुई पेंटिंग को एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है, जहां पर हम उसकी और भी कीमती पेंटिंग्स को देखते हैं, जो कि उसने बिली की मदद से खरीदी थी। अब वर्जिल ज्यादातर टाइम अकेला ही रहता था, इसीलिए वो अपना टाइम इन पेंटिंग्स को देखते हुए बिताता था। इसके बाद वर्जिल क्लेयर के घर पर जाता है, जहां पर वो देखता है कि क्लेयर एक बहुत ही बड़े मैंशन में रहती है। फिर वो वहां पर बहुत देर तक क्लेयर का इंतजार करता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी लेने नहीं आता। अब ये देखकर वर्जिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जब वर्जिल को फिर से क्लेयर का कॉल आता है, तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन इस पर क्लेयर उसे समझाने की कोशिश करती है कि कल वो उससे मिलने आने ही वाली थी, लेकिन तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अब क्लेयर की बात सुनकर वर्जिल शांत हो जाता है और वो एक बार फिर से उसके घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इस बार भी उससे मिलने वहां पर कोई नहीं आता। अभी देखकर वर्जिल गुस्से में वहां से जाने ही लगता है, लेकिन तभी वहां पर क्लेयर का केयर टेकर फ्रेड आता है और उसे बताता है कि अचानक क्लेयर की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ पाई। इसके बाद वो वर्जिल को घर के अंदर लेकर आता है, जहां पर वर्जिल उसके सारे एंटीक सामानों को देखने लगता है। तभी उसे घर के बेसमेंट में एक मशीन का हिस्सा मिलता है, जिसको वो चुपके से उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त रॉबर्ट के पास जाता है और उसे वो मशीन का पार्ट दिखाता है, लेकिन वह रॉबर्ट को पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी मशीन का पार्ट है। इसलिए वो वर्जिल को बोलता है कि अगर तुम इसके बाकी हिस्से भी ले आओगे तो मैं इस मशीन को पूरा बना दूंगा। इसके बाद अगले दिन वो क्लेयर के घर के सारे एंटीक सामानों को शिफ्ट करने में लग जाता है। इसी दौरान जब वो क्लेयर से फोन पर बात कर रहा था, तो उसकी आवाज से वर्जिल को पता चल जाता है कि क्लेयर यहीं कहीं इस घर के अंदर ही है, इसलिए वो उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी क्लेयर को भी पता चल जाता है कि वो उसे ढूंढते हुए आ रहा है, इसलिए वो तुरंत फोन काट देती है। इसके बाद वर्जिल फ्रेड को कुछ पैसे देकर उसे क्लेयर के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर फ्रेड उसे बताता है कि उसने खुद पिछले 11 सालों से क्लेयर को नहीं देखा। अब ये जानने के बाद वर्जिल क्लेयर को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो हर दिन उसके घर के सामने वाली कॉफी शॉप में जाकर उसके ऊपर नजर रखने लगता है। लेकिन काफी दिनों तक नजर रखने के बाद भी वो क्लेयर के बारे में कुछ नहीं जान पाता। वहीं कॉफी शॉप में एक लेडी भी बैठी रहती है, जो हर वक्त क्लेयर के घर को ही देखती रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन क्लेयर वर्जिल को दोबारा अपने घर पर बुलाती है और वहां वर्जिल क्लेयर की आवाज को फॉलो करते हुए एक दीवार तक पहुंचता है, जिसके पीछे से क्लेयर उससे बात कर रही होती है। फिर क्लेयर उसे बताती है कि उसे एक तरह का फोबिया है, जिसकी वजह से उसे लोगों के सामने आने से बहुत डर लगता है और इसी वजह से वो सालों से इस घर से बाहर तक नहीं निकली। अब ये सुनने के बाद वर्जिल को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स वहीं रखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वर्जिल को धीरे धीरे क्लेयर पसंद आने लगी थी, इसलिए वो अपने दोस्त रॉबर्ट से लड़कियों को पटाने के तरीके पूछने लगता है। वहाँ वर्जिल की बातें सुनकर रॉबर्ट भी समझ जाता है कि जरूर इसे कोई लड़की पसंद आ गई है। अब इसके बाद से ही वर्जिल और भी ज्यादा क्लेयर से फोन पर बातें करने लगता है, जिससे उसकी क्लेयर को देखने की इच्छा और भी बढ़ने लग जाती है। और अब उसे किसी भी हालत में जानना ही था कि क्लेयर कैसी दिखती है। इसलिए एक दिन जब वो क्लेयर से मिलकर वहां से वापस जा रहा था, तभी वो उसके घर के दरवाजे को बंद करने का नाटक करके एक मूर्ति के पीछे जाकर छुप जाता है, ताकि वो वहां पर छुपकर क्लेयर को देख सके। इसके बाद जब क्लेयर को लगता है कि वहां पर कोई नहीं है, तब क्लेयर उस दीवार के पीछे बने हुए अपने सीक्रेट रूम से बाहर आती है। फिर जब वहां पर वर्जिल क्लेयर को देखता है, तो वो उसे देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर को देखने के बाद वर्जिल उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा था और उसे प्यार करने लगा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वर्जिल को क्लेयर को और भी देखने का मन करने लगता है, इसलिए वो फिर से उसकी मूर्ति के पीछे छुपने का नाटक करता है। फिर जब क्लेयर अपने रूम से बाहर आती है, तो वर्जिल उसे देखने में इतना ज्यादा खो जाता है कि गलती से उससे उसका फोन नीचे गिर जाता है।
तभी फोन की आवाज सुनकर क्लेयर को भी शक हो जाता है कि उसके घर में कोई तो है, इसलिए वो भागकर फिर से अपने रूम में चली जाती है। वहीं वर्जिल भी उसके घर से निकलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी क्लेयर वर्जिल को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया है। दरअसल यहां पर क्लेयर को पता नहीं था कि वो आदमी वर्जिल ही है। फिर वर्जिल क्लेयर के पास आकर उसे बात करने लगता है, लेकिन वहां पर क्लेयर बहुत डरी हुई थी इसलिए वो रोने लग जाती है। अब क्लेयर को ऐसा देखकर वर्जिल उसे सच बता देता है कि तुम्हारे घर में मैं ही था और मैं तुम्हें यहाँ पर छुपकर देखने आया था। अब ये सुनकर क्लेयर को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वर्जिल को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर वर्जिल वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी क्लेयर अपने रूम से बाहर निकलती है और उसे रोक लेती है। अब यहाँ पर क्लेयर को अपने रूम से बाहर देखकर वर्जिल को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद से वो क्लेयर के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर जाने लगता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। फिर एक दिन जब वर्जिल क्लेयर को मेकअप करना सिखा रहा था, तब क्लेयर को लगता है कि शायद वर्जिल उसे यहाँ से बाहर ले जाना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में फिर से अपने आप को उस कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन अब क्योंकि क्लेयर भी वर्जिल को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो कुछ ही देर बाद वहाँ से वापस बाहर आ जाती है। फिर एक दिन जब वर्जिल क्लेयर को उसके सामान की फोटोज दिखाने आता है, तब क्लेयर उसे अपने उस सीक्रेट रूम में लेके जाती है जहाँ पर वो पिछले 20 सालों से रह रही थी। फिर यहाँ पर वर्जिल क्लेयर को किस करते हुए बोलता है कि तुम पूरी जिंदगी यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। पर इस पर क्लेयर उसे बताती है कि वो भी यहाँ से बाहर निकलना तो चाहती है, लेकिन उसमें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। फिर एक दिन वर्जिल जब क्लेयर के लिए खाना लेकर आता है, तो वो वहाँ पर देखता है कि क्लेयर अपने सीक्रेट रूम से गायब है। इसके बाद वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर कहीं नहीं मिलती। फिर इसके बाद जब वर्जिल उस घर से बाहर आता है, तो वहाँ पर उसे एक आदमी से पता चलता है कि क्लेयर पार्क की तरफ गई है। इसके बाद वर्जिल फ्रेड और रॉबर्ट को लेकर क्लेयर को पार्क में ढूंढने निकल जाता है, लेकिन तभी उसे एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि आज तो उसे एक ऑक्शन करना है, और अगर आज ये ऑक्शन नहीं हुआ तो उसे बहुत ज्यादा लॉस होगा। अब ये सुनकर वर्जिल ऑक्शन कराने के लिए चला तो जाता है, लेकिन इस समय भी वो सिर्फ क्लेयर के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से वो वहाँ पर अच्छे से बोल नहीं पाता और ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर ऑक्शन के बाद जब वर्जिल क्लेयर की यादों में खोया हुआ था, तभी उसे फ्रेड का फोन आता है और वो उसे बताता है कि शायद घर में एक और सीक्रेट रूम हो सकता है जहाँ पर क्लेयर छुपी हुई होगी। अब ये सुनकर वर्जिल तुरंत फ्रेड के साथ उस घर के तहखाने में जाता है जहाँ पर उसे एक और सीक्रेट रूम दिखाई देता है, जिसको खोलने पर उसे वहाँ पर क्लेयर भी मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी। इसके बाद वर्जिल उसे संभालता है और वो दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात जब वर्जिल क्लेयर से मिलने उसके घर जा रहा था, तभी कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले तो वो उसे खूब जमकर पीटते हैं और फिर उसके सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब यहां पर वर्जिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो क्लेयर को फोन करके उसे बाहर आने को बोलता है। वहीं क्लेयर भी वर्जिल को सड़क पर ऐसे घायल पड़ा हुआ देखकर भागते हुए बाहर आती है और उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वर्जिल बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक दिन वो क्लेयर को अपने घर पर लेकर आता है। वहां जब क्लेयर वर्जिल के घर को देखती है, तो उसे वो घर बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वर्जिल उसे अपना वो सीक्रेट रूम भी दिखाता है जहाँ पर उसने अपनी कई सारी कीमती पेंटिंग्स को रखा हुआ था। इसके बाद वो क्लेयर को अपने साथ डिनर पर भी लेके जाता है, जहाँ पर क्लेयर को वर्जिल और उसके दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तभी वर्जिल वहां पर अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देता है और बोलता है कि उसका लंदन में एक आखिरी ऑक्शन होने वाला है, जिसके बाद वो ये सब छोड़कर हमेशा के लिए क्लेयर के साथ ही रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वर्जिल को देखते हैं जो लंदन जाकर अपना आखिरी ऑक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेता है। फिर इसके बाद जब वो वापस अपने घर आता है, तो वो देखता है कि क्लेयर वहां पर नहीं है। अब ये देखकर वर्जिल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन क्लेयर उसे पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो निराश होकर अपनी पेंटिंग्स वाले रूम में आता है, तो वहां की हालत देखकर उसकी फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि वहां से उसकी सारी पेंटिंग्स गायब थी। तभी वो वहां पर एक स्टैचू को देखता है जिसके अलग अलग पार्ट्स वो क्लेयर के घर से चुराकर रॉबर्ट को दिया करता था, और ये सब देखकर वर्जिल समझ जाता है कि क्लेयर ने रॉबर्ट के साथ मिलकर उसका चूतिया काट दिया है। इसके बाद वर्जिल को वहां पर पड़ी एक पेंटिंग से पता चलता है कि इस चोरी में रॉबर्ट और क्लेयर के साथ बिली भी शामिल था। दरअसल उस दिन जब वर्जिल ने बिल्ली की बेइज्जती की थी, तब बिल्ली ने इस चोरी को करने का प्लान बनाया था। इसके साथ ही वर्जिल को ये भी पता चलता है कि उस कॉफी शॉप में जो लेडी बैठी रहती थी, वो ही असली क्लेयर है और ये घर भी उसी का ही है। दरअसल इस असली क्लेयर से रॉबर्ट और बिल्ली ने उसका घर रेंट पर लिया था, जिसके बाद उन्होंने वर्जिल को नकली क्लेयर से मिलवाया ताकि वो तीनों मिलकर उसका चूतिया काट सकें। अब ये सब जानकर वर्जिल इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही रहने के बाद वर्जिल को याद आता है कि एक दिन क्लेयर ने उसे एक एड्रेस देते हुए कहा था कि अगर हम कभी भी एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो मैं तुम्हें इसी एड्रेस पर मिलूंगी। इसलिए वर्जिल उसे ढूंढने के लिए उस एड्रेस पर चला जाता है, लेकिन वहां पर काफी देर तक वेट करने के बाद कोई भी वहां पर नहीं आता। अब ये देखकर वर्जिल समझ गया था कि क्लेयर ने उसका दूसरी बार भी चूतिया काट दिया है।
और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।